हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट मैटर है और मेरी इस हाईएस्ट यहाँ पे कपिल देव माता देव मूर्ति को समझा रहे हैं। सो आई एम नॉट सो क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दिस बट आई बेग योर ब्लेसिंग। यू आर आप लोग यहाँ पे बहुत सीनियर डिवोटीज हैं जो मेरे जन्म लेने से पहले से भक्ति कर रहे हैं, तो हम आशीर्वाद की आज कृपा मानते हैं कि हम इस सब्जेक्ट मैटर पे ऐसा कुछ बोल सकें जो हमारी भक्ति में सहायक हो, भक्ति के प्रगति। हरे कृष्ण। तो जब मैं इस चैप्टर का समरी पढ़ रहा था अभी क्लास प्रिपरेशन करने के लिए, सो आई कुड मतलब मैं रिलेट कर पा रहा था कि कैसे यहाँ पे बेसिकली चर्चा तो हो रही है यहाँ पे कपिल भगवान लॉर्ड कपिल अपने माता देवमूर्ति को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो इस चैप्टर का जब इनिशियल्स अभी तक के श्लोक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम कनेक्ट कर पा रहे थे कैसे हम अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़े नहीं होते, अगर भक्ति के इस कॉन्स से नहीं जुड़े होते तो शायद हमारी लाइफ भी ऐसे ही होती, कि हम अपने फैमिली को दे करके पैसा कमाने के पीछे, लस्टी डिजायर के पीछे लगे हुए रहते। और पता चलता हमारा हमारा कंक्लूजन क्या होता, जो यहाँ पे बताया गया नरक लोक में अलग अलग प्रकार के नरक लोक, उन नरक लोक में हमें जाना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज फीलिंग वेरी मच फॉर्चुनेट कि हमें हमेशा एक तो फॉर्चुनेट फील करना चाहिए और दूसरा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए श्री प्रभुपाद के डिसाइपल्स के प्रति, एंटायर आचार्यों के प्रति, कि उनके कठोर मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद हमें ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट मिला, हम भक्ति से कनेक्ट कर पाए। इतना मेहनत किए, जैसे हम जुहू स्टोरी किताब पढ़ते हैं या फिर जुहू एक्चुअली जुहू टेम्पल का ही से हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कितना कठिनाई से बनाए गए। तो हमारे सीनियर्स जो भी आचार्य हैं, प्रभुपाद है, गुरु महाराज है, बहुत कठिनाई से परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का व्यास पूजा था, तो हमने देखा कैसे कितना कठिनाई से सारी चीजों को एस्टैब्लिश किया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी डे कि हमें ग्रेटिट्यूड किसी ना किसी पर हमेशा रखना चाहिए हमारे आचारों के प्रति, कि कैसे देखिए हमको इस जीवन से निकाल करके एक बेटर लाइफ दिया, नया जीवन दिया। तो जस्ट फीलिंग दैट कि अगर हम नहीं होते भक्ति से कनेक्टेड तो क्या लाइफ होता और ये हमारा कंक्लूजन होता है, ये हमारा गोल होता है, ये हम अचीव करते। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग विच आई वॉज मतलब मैं सोच रहा था। सिमिलरली हम देख रहे हैं कैसे आज के श्लोक में, आज के मतलब पिछले 26 नंबर से श्लोक में, कौन उसके साथ क्या होता है जब व्यक्ति क्या करता है जब अपना जीवन पूरा विषय वस्तु में बिता देता है, जब पूरा व्यक्ति विषय वस्तु में बिता देता है तो उसकी लाइफ क्या होती है। तो सबसे पहले 26 नंबर श्लोक में बोल रहे नरक के कुत्ते तथा गीरों द्वारा उसकी आंखें जीवित रहते रहते खींच ली जाती है, निकाल दी जाती है। कि व्यक्ति देखो ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे हम जाग रहे हैं नरक लोग जा रहे हैं तो क्या होगा कि कुत्ते और अलग अलग प्रकार के गिद्ध हमारी आंख नोचेंगे। फिर क्या होगा, फिर बिच्छुओं सांपों द्वारा हमारे अलग अलग शरीर में पीड़ा पहुंचाएंगे, काटा जाएंगे। श्लोक संख्या 27 में बोल रहे हैं फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाएंगे, अलग अलग प्रकार के जो हमारे शरीर के अंग है उसको काटा जाएगा, हाथियों से हमारे शरीर को चिरवाया जाएगा। फिर हमें क्या करा जाएगा, पर्वत से फेंक दिया जाएगा, पानी में डाल दिया जाएगा या फिर गुफा में दबा दिया जाएगा, कि अगर हम ऐसे ही विषय वस्तु में जीवन बिताए। फिर आज के श्लोक जो 28 नंबर, इसका मैं तात्पर्य पढ़ा, जिन पुरुषों तथा स्त्रियों के जीवन अवैध योनाचार में व्यतीत हैं उन्हें तमिस्त्र अंध तमिस्त्र, ऐसे तीन प्रकार के यहाँ पे नरक, अलग अलग प्रकार के नरक लोग हैं। तो ऐसे बताया जा रहा है यहाँ पे जो पुरुष और स्त्री अवैध संघ में इलिसिट रिलेशनशिप में रहते हैं उनको इन प्रकार के नरकों में भेजा। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत में ही लिख रहे हैं कि भौतिकतावादी जीवन विषयी जीवन पर आधारित, और श्री प्रभुपाद जी के मल्टीपल लेक्चर्स को अगर हम सुनेंगे तो प्रभुपाद जी इस पॉइंट पे बहुत फोकस करते हैं कि भौतिक जीवन किस पे है, विषयी जीवन पर आधारित, लस्टी लस्ट डिजायर्स, ऑल काइंड ऑफ लस्ट डिजायर्स। अब ये लस्ट आता कहाँ से, कोई प्रश्न पूछ सकता है, पूछिए लस्ट कहाँ से। सो जैसे बताया जाता है कि आध्यात्मिक जगत का परवर्टेड रिफ्लेक्शन ये भौतिक जगत। सो ये लस्ट क्या है, जब हम आध्यात्मिक जगत में थे तो ये लस्ट क्या था, ये लव लव फॉर कृष्णा, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन क्या होता है परवर्टेड उल्टा रिफ्लेक्शन। तो जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो वो जीव क्या होता है, जीव का जो प्रेम कृष्ण के प्रति होता है वो क्योंकि
भौतिक जगत उल्टा है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, ये लव लस्ट में कन्वर्ट होता है। फिर लस्ट से क्या होता है, कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में तीसरे अध्याय में, काम एष, सबसे पहला क्या हो रहा है, श्री भगवान वाच, काम एष क्रोध एष रजोगुणा समत्वम महात्सनु महापाप विद्यन एपि बाय। कि क्या होता है, सबसे पहले काम होता है, इसके पहले क्या होता है कि अर्जुन, जैसे बहुत लोगों को ये प्रश्न होता है इन जनरल, तो हम देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जब हम बाहर भी जाते हैं तो ये प्रश्न होता है, बोलते हैं प्रभु जी हम कुछ पाप कार्य नहीं करना चाहते, या फिर कुछ हैबिट्स हैं जो नहीं करना चाहते, या फिर वी आर नॉट, हम कुछ नहीं करना चाह रहे, एक चीज से हम परेशान हैं और उस एक्टिविटी को हम नहीं करना चाहते, तो क्या होता है, वो प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, फिर भी क्यों, वी आर फोर्स्ड टू डू दैट। अर्जुन का ये प्रश्न भगवद गीता के 36 नंबर श्लोक में आता है। तो उसका उत्तर भगवान क्या दे रहे हैं, भगवान देते हैं श्री भगवान वाचा, काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महात्सनो महापापन विद्धिम इहा वर्णयः। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन ये काम वासना है, जो जो भौतिक जगत से हम जब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं हमारे रजोगुण से, तो क्या होता है, काम वासना आता है, और क्या होता है, धीरे धीरे ये काम वासना हमें, क्योंकि इतना फोर्सफुली करते हैं काम वासना, इतना फोर्स होता है कि हम बाय डिफॉल्ट सिंपल एक्टिविटीज के प्रति चले जाते हैं। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है, और अगर काम पूरा हो गया तो क्या होगा, गिल्टनेस फील होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे इस श्लोकों को आगे पढ़ते जाएंगे तो भगवान बताते हैं, सोल्यूशन देते हैं, कैसे काम वासना पे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे किया जाता है। कोई बोलेगा ठीक है प्रभु जी काम वासना, तो पहली बात तो काम वासना से हमने देख लिया यहाँ पे कि कैसे क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, तो हम रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करके हम सोल्यूशन पे बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस। अलग अलग प्रकार की काम वासना है, ऐसा ही नहीं कि जो यहाँ पे भाई स्पेसिफिक श्लोक में, हाँ सेक्सुअल डिजायर पे बात की जाए, बट हम अलग अलग प्रकार की काम वासनाएं देखते हैं। एक तो होता है मेंटल लेवल पे काम वासना, क्या होता है कि हम ये जीवन में ये प्राप्त करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, हम कृष्ण को भोग लगाया हुआ खाना नहीं है वो भी खाना चाहते हैं, वो भी एक प्रकार का काम है कि आई वॉन्ट टू एंजॉय, हम जाते हैं कहीं बाहर कुछ खा लेते हैं नहीं, बट वॉट बी एज अ डिवोटी हमारा नेचर क्या होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए फॉलो, कि हम जो भी खाएं वो भगवान को भोग लगा कर उसके बिना कुछ नहीं। नहीं तो क्या होता है कि हम इससे और विषयी खाया मन मलिन हो, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं चैतन्य चरिता में कि विषयी के हाथ का बना हुआ खा रहे हो तो हमारी चेतना भी मलिन हो जाएगी, क्योंकि वो भी क्या है मलिन, और उसके हाथ का बना हुआ खा रहे हैं तो मलिन है। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि भौतिक जगत के पैशन रजोगुण में आकर के हमारा ये स्थिति होता है कि हमारा काम वासना बढ़ जाता है, और जो नहीं चाहते वो भी करना पड़ जाता है। कभी कभी हम लोग रिलेट कर पाते होंगे कि हम कुछ नहीं चाहते हैं करना बट कर लेते हैं, तो वो रीजन क्या है, काम वासना स्पष्ट हो। फिर भगवान आगे श्लोकों में बताते हैं कि काम वासना कहाँ कहाँ बैठती है, काम हमारे इंद्रियों में बैठा हुआ है, काम हमारे इंटेलिजेंस में बैठा हुआ है और आत्मा में बैठा, तो कैसे इसको सॉल्व करें, भगवान कहते हैं टॉलरेट करो। प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं जब भी ऐसा लगे काम वासना या फिर विषय, हम सिर्फ क्या कहते हैं, जैसे कभी होता है कि अभी बाहर जा रहे हैं कुछ देख लिया, हाँ कि आदत होता है पानी पूरी खाने का, हाँ बहुत अच्छा लगता है सबको पानी पूरी, हाँ कि बॉम्बे का पानी पूरी, हाँ बॉम्बे का मसाला डोसा, बॉम्बे का वड़ा पाव, बड़ा मन करता है। जैसे अभी हम लोग कभी टेम्पल आते हैं तो NM कॉलेज के पास से होकर के आओगे तो मिट्टी भाई कॉलेज, तो वहाँ पे फेमस वड़ा पाव पानी का सब बड़ा फेमस, तो क्या होता है इच्छा करता है, तो इच्छा करता है तो क्या चले जाना चाहिए खाने के लिए, टॉलरेट करना चाहिए, कितना टॉलरेट करना चाहिए, केवल 7-8, क्योंकि ये सब चीज तो आगे मंदिर में मिल जाता है आपको, हाँ आके मंदिर में खा लीजिए, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, टॉलरेट करने, भगवान बता रहे हैं कि जब भी इंद्रिय भोग या सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का होता है इच्छा जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस से अलाइंड नहीं है, तो क्या होता है कि हमें ऐसे अलग अलग प्रकार का यातनाएं भोगना पड़े, तो रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए अपना कर्म करना चाहिए। बट लेकिन बताया जा रहा है कि अलग अलग जो, जैसे हम जब करते हैं एग्जाम्पल कनेक्ट करते हैं, जब करते हैं जब जब करते हैं तो क्या होता है कि ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है, यहाँ वहाँ भटक जाता है, मन को कुछ थॉट आता है वो थॉट में हम लोग चले जाते हैं, राइट। तो इस प्रिंसिपल को वहां भी अप्लाई करते, टॉलरेट करो कि ये थॉट्स को नहीं आने देना, रोकना है,
आगे नहीं बढ़ने देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जप कर रहे, हरे कृष्ण अरे आज प्रसाद में क्या बनाएंगे, अभी प्रसाद में क्या खाएंगे, आज कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए, अभी शाम को जॉगिंग पे जाएंगे नहीं जाएंगे, अलग अलग प्रकार का थॉट्स होता है, तो तुरंत ही, क्योंकि दैट इज नॉट द टाइम, इस चीज का समय नहीं है, तुरंत इंटेलिजेंस से हमको डाइवर्ट करना है। हो हाँ ये कौन बोल रहा था, म्यूट कर, हाँ म्यूट कर। तो ये प्रैक्टिस हमें, हम देखते हैं कैसे, अभी हम लोग तो भक्त थे, अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमसे हम लोग से बहुत सारे डिवोटीज यहाँ पे दीक्षित लोग हैं, तो अभी तो हम काम वासनाओं में नहीं जा रहे, ये तो नहीं क्योंकि हमने अभी चार नियम फॉलो करने का संकल्प लिया हुआ है, और कुछ लोग इसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या चार नियम है, कौन बताएगा चार नियम क्या क्या है, प्रभुपाद जी जो चार नियम बताए, एनी न्यू डिवोटी हु वांट्स टू शेयर कि चार नियम कौन से जो हमें फॉलो करना चाहिए। नॉन वेज, नो ईटिंग, अच्छा नो मीट ईटिंग, नो मीट नो ईटिंग, ईटिंग, एक एक नो करके सेक्स, एक, नो अच्छा उधरंगा लेस आभा से इज अ न्यू डिवोटी। आभा हाँ आभा माता जी, डू यू नो व्हाट आर द फोर प्रिंसिपल्स? आई कांट हियर यू, वी कांट हियर यू। हाँ हेलो। नाउ वी कैन हियर यू। हाँ भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए और नो अपना नो, व्हाट आर द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रभुपाद? व्हाट आर दी ह्यूमन फोर प्रिंसिपल्स? आर यू अवेयर ऑफ इट? ठीक है, लेट अदर डू यू डिवोट, नो इट? लेट नशा अदर पान डिवोट, ना करें। ओके देन वी गो अहेड। विद योर माता यस जी जी बोलिए, नशा पान ना माता करें। जी, यस ज्योति माता जी, डू यू इट नो? सर्वन सर्वनम कीर्तनम प्रसादम एंड नो 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 वंदनम? नो 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 नो, द फोर प्रिंसिपल्स, ओके या ओके, आई दीज, डोंट नो दैट, अच्छा प्रभु, सॉरी, दीज आर ऑल न्यू न्यू प्रिंसिपल्स, राइट, डिवोटीज, इट इज फाइन, दीज आर ऑल न्यू दैट डिवोटीज। या विद्या माता जी, यस आप हाँ पूछ, विद्या माता जी आप बोलिए। नशा पान ना करे, अवैध संबंध ना करे। हाँ तो एक हमने सुना कि नो मीट ईटिंग, नो नशा पान ना करना, व्हाट यू से इन इंग्लिश दैट, नो इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन। वन नो बाय वन इलेक्ट्रिक प्लीज। लाइक, एंड व्हाट इज फोर्थ, नो ने वन मोर, मंजुमाशनी माता जी, तीसरा क्या है? मंजुमाशनी उधरंगाबाद माता जी बोलना चाहते, बोला उधरंगाबाद कि क्या जो बोलते हैं, नहीं खाना। यू माधव सचान, यस मंजुमाशनी माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो दारू और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अवैध स्त्री को नहीं करना चाहिए, और वो लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, चार नो प्रिंसिपल नो क्या? नो 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 नो, ओके आई आई ओके विल, बोलने ओके में थैंक, मिस्टेक हो रहा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। है। रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, श्री प्रभुपाद जी ने जो कहा हमें, ये चार स्तंभ है धर्म के, चार स्तंभ है, सबसे पहला नो मीट ईटिंग, हमें कुछ भी नॉनवेज, नो मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग में ही लहसुन कांदा सब आ जाए, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। तो श्री प्रभुपाद जी ने हमें ये चार स्तंभ दिए हैं, या फिर फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बोला जाता है इसे, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए एकदम दृढ़ता पूर्वक, क्योंकि क्या है, ये धर्म के चार स्तंभ है, अगर इनमें से एक भी चीज फॉलो नहीं कर रहे, हम धर्म के एक स्तंभ को छोड़ रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने काफी ज्यादा इसे फोकस किया है कि हमें जो चार फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है इसको फॉलो करें। तो कभी कभी बहुत लोग को इस रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में बहुत कठिनाई होती है। हाँ श्री प्रभुपाद जी के समय पे बहुत लोग कहते थे, प्रभुपाद जी आप एक नियम इसमें से हटा दो, हाँ इलिसिट सेक्स वाला हटा दो, श्री प्रभुपाद जी आपके साथ हजारों लाखों लोग और जुड़ जाएंगे, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि भागवतम में देखो ये श्लोक है, श्रीमद भागवतम में जो बोल रहा है कि इलिसिट रिलेशनशिप में अवैध संघ में नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी ने जो भी हमें दिया है वो शास्त्रों का निचोड़ दिया है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे श्री प्रभुपाद जी ने, क्योंकि जो अब चार स्तंभ बताए हैं वो देखिए एक स्तंभ यहीं पे मिल जा रहा है, तो हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी ने बाकी जो भी हमें 16 माला जप करने के लिए जो दिया है, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, भोग लगा के खाना है, तुलसी को पानी देना है, प्रदक्षिणा करना है, भगवान का आरती करना है, शिव विग्रह का सेवा करना है, भागवतम श्रवण करना है, प्रचार करना है, ये सारा श्री प्रभुपाद जी ने शास्त्रों का निचोड़ हमें दिया। तो हमें ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि श्री प्रभुपाद जी कैसे हमें शास्त्रों का निचोड़, कमिंग बैक टू द पॉइंट,
कि ये जो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इसको हमें फॉलो करना चाहिए और 16 माला डेली जप करना चाहिए, और हमें श्रीमद भागवतम और भगवद गीता का प्रचार और पठन पाठन करना चाहिए। सो अब जब हम जप की बात करें, जब हम जप करते हैं, जब जप करते हैं तो क्या होता है, माइंड यहाँ वहां जाता है। तो कृष्ण क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हमें कंट्रोल करना इन थॉट्स के ऊपर, इन थॉट्स पे कंट्रोल करें कि अभी नहीं टॉलरेट कर, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बैठे हुए हैं तो मन क्या करेगा, मन बोलेगा थोड़ा सा बैठ के जप कर रहे, मन बोलेगा अरे खड़े होकर जप करते हैं। भले ही कम, फॉर समवन डेफिनेटली जिसका कमर दर्द होता है, कुछ होता है, डेफिनेटली इट इज रिकमेंडेड कि हम चल के जप कर सकते हैं, देयर इज नो रॉन्ग इन दैट, बट ध्यान पूर्वक जप कर वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या करेगा, कभी कभी कमर भी दर्द नहीं करता होगा, कभी कुछ नहीं दर्द करता होगा, फिर भी मन क्या बोलेगा, कहीं थोड़ा चल के जप कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं यहाँ वहाँ। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टॉलरेट, उसको टॉलरेट कर। हम जब गीता पढ़ने, भागवतम पढ़ने बैठे तो हमें अलग अलग प्रकार की चीजें याद आती है। जब हम जैसे कभी क्लास में बैठे, अब क्लास चल रहा है, लेकिन क्या होगा, कुछ और याद आ जाएगा, कुछ और कुछ दिमाग में चलने लगेगा, वहां से कहाँ 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 जाना था, जापान पहुंच गए, चीन समझ गए, राइट। सो फोकस, बहुशाखाई अनंतस्य, कि हमें बहुशाखाओं पे फोकस नहीं करना, कि हमें ध्यान पूर्वक सिंसियरिटी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस वर्ड का बहुत उपयोग करते हैं अपने क्लास में, कि सिंसियरली हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करना, राइट। अगर सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है, जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं यहाँ पे कि देवी ऐसे गुणमयी माया दुरुपतय, कि ये जो देवी ऐसी गुण है, ये जो भगवान की एनर्जी है माया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, बहुत कठिन है माया। जैसे हम काफी भक्त हैं, तो माया को सब क्या बोलते हैं ना, मुंबई के भाषा में बोलो तो भाव नहीं देते, तो कुछ भी उसको वैल्यू नहीं करते, और इट हैज मोर स्ट्रॉन्ग नेचर कि कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई आए, तो श्री प्रभुपाद जी बोले कि आपके डिसाइपल्स दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वेरी नाइस, बट इनमें खाली एक प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है, बोले माया से डरते नहीं। बोले यस, मुझे भी वही प्रॉब्लम है कि माया से डरते नहीं, तो हमें क्या होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए कि कभी भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल धीरे धीरे हमने कई भक्तों को देखा हुआ है कि बहुत अच्छा जप करते हैं, बहुत अच्छा कनेक्टेड रहते हैं, बट क्या होता है, माया धीरे 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 ले जाए। एक आपको एग्जाम्पल देते, कोई स्टूडेंट होगा या कुछ होगा, उसको माया से अभी तक बच करके चैंटिंग कर रहा है, कर रहा है, वो कर, क्या होगा, वो थोड़ा सा उसको माया ऐसा उसको बोलेगी, अरे आप जप कर रहे हो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा जप कर रहे हो, अभी आपको थोड़ा सोसाइटी में भी रहना है, थोड़ा आपको जानना पड़ेगा यहाँ वहाँ का इंफॉर्मेशन, हाँ जानना पड़ेगा प्रोजेक्ट, तो काम करो न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर, ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, न्यूज़पेपर थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो बोलेगा न्यूज़पेपर पढ़े क्यों रहे, उसको यूट्यूब पे देख, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे वीडियो आता है, पूरा आराम से सुनो, देखो प्रॉपर एकदम डिटेल में, एकदम प्रेम से समझाते हैं, तो यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, न्यूज देखेगा, उसके साथ साथ कुछ और उसको रिकमेंडेशन आएगा, फिर क्या होगा, वो कहीं और दिशा में निकल जाएगा। और एग्जाम्पल देते, चलो डायरेक्ट एग्जाम्पल, तो मन क्या बोलता है कि थोड़ा सा ना आज यूट्यूब से लेक्चर पढ़ो, यूट्यूब पे जाते हैं श्रीमद भागवतम क्लास बाय फलाना डिवोटी, कि इस डिवोटी का मेरे को भागवतम क्लास अच्छा लगता है, उसको सुनते, उधर सुनते हुए जाएंगे, उससे क्या होगा, ऐसा कुछ पुराना गाना याद आ जाएगा, उधर रिकमेंड करेगा, कह रहेगा ये गाना, अरे तो कितना अच्छा गाना था, मैं पहले सुनता था या सुनते थे इसको, एक बार इसको सुन लेते, क्या ही प्रॉब्लम है, एक बार सुनने में क्या प्रॉब्लम है, फिर गाना सुनेगा, फिर गाना से उसको दूसरा गाना रिकमेंड करेगा, फिर उसको मूवी रिकमेंड करेगा, फिर मूवी रिकमेंड करेगा, मूवी देखने जाएगा, फिर अभी यूट्यूब पे मूवी मजा नहीं आता, बोले थोड़ा थिएटर में जाके देखना चाहिए, बहुत एक दो बरस डिकेड हो गया, 10-20 साल हो गया मैं थिएटर नहीं गया, अभी थिएटर नहीं जाऊंगा तो पता नहीं उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा, मेरे को तो जाना पड़ेगा ना थिएटर, तो थिएटर जाएगा, थिएटर मूवी देखेगा, अब मूवी देखेगा तो बोले अभी खाली मूवी तो मजा नहीं आता है, तो पॉपकॉर्न भी खाना मांगता है, ओ पॉपकॉर्न, हाँ अब बिना कांदा लहसुन वाला पॉपकॉर्न मिलता है, हाँ मिलता है मिलता है, लो लो खाओ बिना कांदा लहसुन वाला पॉपकॉर्न, तो जैन पॉपकॉर्न खाए, फिर पॉपकॉर्न खाएगा मूवी देखेगा, अभी मूवी से बाहर आ गया, अभी क्या, अभी थोड़ा सा भूख लग गया, थोड़ा सा अभी वो गोरेगांव में अनुपम स्टेशनरी स्टेशन के पास में है ना, ईस्ट में, वो कौन सा है, उधर देखेगा मूवी आईनॉक्स के पास, फिर उधर नीचे एक मेरा ऑफिस वहां पे था, दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर एग्जैक्ट प्लेस, तो आईनॉक्स से उसके नीचे एक इडली मसाला डोसा वाला है, अरे वो बहुत अच्छा इडली पॉटी देता है, वो खाते हैं, जैन मिलता है प्रभु जी आपके पास, हाँ हाँ जैन मिलता है, जैन खाए,
तो ऐसे मसाला डोसा खाएंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे मसाला डोसा खा करके, ये खा करके धीरे 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 क्या होगा, भक्ति में दुर्गति होगी। चैतन्य महाप्रभु बोले, विषय हाथे खाला मन मलिन हुई, फिर क्या करेंगे, कहीं और जाएंगे, ऐसे 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 करके दुर्गति हो जाएगी। तो इसलिए क्या करेगा, मन डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि जा करके भैया दुकान में कुछ खा लो या जा करके मूवी देख लो, मन क्या बोलेगा, वेरी नियरेस्ट अटैक करेगा, कह रहे यूट्यूब पे चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले। इसलिए बहुत सारे हमारे सीनियर डिवोटीज है वो कहते हैं ये विंडो शॉपिंग मत करो, ये स्पिरिचुअल शॉपिंग है, इधर जाना उधर जाना। अगर हमें कुछ भी सुनना है, हमें कुछ भी सुनना है, तो हमें किसका लेक्चर सुनना है, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, इसको हमारे अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए। कि श्री प्रभुपाद जी के लेक्चर्स कहाँ से सुन सके, महाराज के लेक्चर, इतने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर डिवोटीज के ड्राइव में भरे हुए रहते हैं, तो कैसे उनको लेकर के उन पर ही फोकस। तो क्या होगा, मन ऐसे ही अनकंट्रोल्ड, और हम उसको अनकंट्रोल्ड यूट्यूब के पास भेज रहे हैं, तो और क्या होगा, और लिमिटेशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि जो हमें इफेक्ट कर सकते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक रखना चाहिए। और इस अलग अलग वासनाओं से या फिर अलग अलग डिजायर से ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट है, माया बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन क्या बोल रहे हैं भगवान, बोलते हैं देवी इसे गुणमयी मम माया दुरत है माम एवा या प्रपद्यन्ते माम एवा, बट दोस हु हैव सरेंडर्ड अनटू मी कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट। कि जो भगवान के प्रति शरणागत है वो इजीली आराम से, आराम से। फिर श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक है 10वें स्कंध में, समशिस्तया पद पल्लव पलम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम नतेश। कि जो क्या है, वन हु हैज टेकन फॉर दोज हु हैव एक्सेप्टेड द बोट ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड हु इज द शेल्टर ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन फेमस एज मुरारी द एनिमी ऑफ मुरा डीमन द ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक वाटर। कि जो भौतिक जगत है वो कैसा हो जाएगा, वो छोटा बछड़ा होता है ना गाय का बछड़ा, उसका जो काफ होता है काफ, उसका छोटा फुटप्रिंट के समान ये मटेरियल वर्ल्ड होगा, तो वो वैकुंठ जगत, वो आराम से मटेरियल वर्ल्ड से वैकुंठ जगत जा सकता है। तो यहाँ पे शेल्टर लेने की बात कर, तो हम कैसे शेल्टर ले सकते, ये तो भौतिक जगत है। भौतिक जगत में तो जैसे एग्जाम्पल, हम एक लेक्चर श्री प्रभुपाद जी का सुन रहे थे आज सुबह, तो श्री प्रभुपाद जी उसमें बता रहे थे कि कैसे जो भौतिक जगत है मड़ी 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 पूरा मड़ी मड़ी, लेकिन इसमें क्या है, जैसे लोटस का एग्जाम्पल है, लोटस कैसे पूरा कचरे मड़ी के एनवायरनमेंट में रहता है, लेकिन फिर भी कमल, कमल को किससे किससे कंपेयर किया, भगवान के नैनों से कंपेयर किया, लोटस फीट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि क्या है, इतने खराब एनवायरनमेंट में रहकर भी वो खुद को प्योर रखता है। तो सिमिलरली हम भी इस भौतिक जगत में है, हमको जल्दी से यहाँ निकल करके हमको भी वो लोटस बनना है, और जाके भगवान के चरण कमलों में अपने आप को ऑफर करवाना है। तो हमारे गुरु चरण कमल वो फ्लावर तोड़ेंगे और भगवान के चरणों में डालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग टेम्पररी इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो क्या करें। तो लोटस के समान हमें क्या करना चाहिए, कि जो भौतिक जगत है मटेरियल वर्ल्ड पूरा मड़ी एकदम कचरे वाला एनवायरनमेंट है, लेकिन अपने आप को प्यूरिफाई कैसे करें, कैसे करें प्यूरिफाई, तो श्री प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया, नियमित पूर्वक ध्यान पूर्वक 16 माला का जप, 4 नियम को पालन करना, भागवतम पढ़ना, भगवद गीता का भागवतम का प्रचार प्रसार। जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, धर्म रक्षिते रक्षिभिः, कि धर्म हमारा रक्षा करेगा, श्री प्रभुपाद जी हमारा रक्षा। श्री प्रभुपाद जी बोले, इफ यू जस्ट फॉलो व्हाट आई हैव सेड आई विल किक माया ऑन आवर फेस विद माय लेग्स, श्री प्रभुपाद जी, आई विल किक माया, मैं अपने पैर से माया को दबाऊंगा, ऐसा स्टेटमेंट कौन आचार्य बोले, कोई नहीं बोला है, सिर्फ श्री प्रभुपाद जी बोले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हम ऐसे आचार्यों के लीनिएज में हैं, जिन्होंने ये गारंटी दी कि आप सिर्फ प्रोसेस फॉलो करो, एवरीथिंग एल्स ओके। तो प्रोसेस फॉलो करने में बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं प्रयास करना चाहिए, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतो वृत्ति षडवीर भक्ति दस, कि हमें ऐसे 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 कार्य करने चाहिए जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो, वी शुड अवॉइड जो भक्ति में प्रगति नहीं करें, दुर्गति करें। जैसे प्रगति प्रगति कैसी होगी, इसका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन NOI श्लोक संख्या 2, उत्साह निश्चय धैर्य, कि क्या करना है, उत्साह के साथ, उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ हमें भक्ति करें, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन, हमें क्या करना है,
कि जैसे जैसे कर्म आध्यात्मिक जीवन में बिताने के लिए बोले गए वैसे बिताने, तब तक कर्म प्रवर्तना संग त्याग। किस प्रकार का संग त्याग करने बोला गया? भौतिक संग, प्रजल्प से बचे, प्रजल्प नहीं करना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे प्रजल्प भी एक तरीका है माया का खेलने का। क्या करेगा, धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस टॉक नहीं हो रहा है, भौतिक जगत का टॉक हो रहा है। भौतिक जगत का टॉक करते 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 माया कहीं लेके चली गई। तो प्रजल्प से बचे, उत्साह निश्चय, तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्यागा सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध। इससे क्या होगा, हमारी भक्ति में प्रगति, प्रसिद्धि। तो क्या नहीं करना है, ये तो करना है, क्या नहीं करना है? अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोलन षड्भिर भक्ति विनश। तुम्हें क्या करना, अत्याहार, अत्याहार नहीं, अत्याहार प्रयास प्रजल, अत्याहार नहीं, भौतिक चीजों का अत्याहार, अत्याहार अत्य नहीं, अति नहीं करना है कुछ भी भौतिक चीजों को प्राप्त करने का। अत्याहार प्रयास प्रजल, प्रजल नहीं, अत्याहार प्रयास प्रजल पर नियम आग्रह, कि जो ये चार नियम हमने डिस्कस किया, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, इनको आग्रह, इसको अनफॉलो नहीं करना, मैं फॉलो करना। अत्याहार प्रयास प्रजल पर नियम आग्रह जनसंघ, ये भौतिक जगत के जो संघ है, जनसंघ से लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश। तो वी शुड ट्राई टू फॉलो जिसे प्रभुपाद जी ने हमें एकदम निचोड़ में दिया है शास्त्रों का निचोड़, उसे हमें फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। आज के श्लोक में हम देख रहे हैं जो भी अवैध संग करेगा उसका क्या दुर्गति है। तो ये तो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट है, बट व्हाट इज बिगिनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज बिगिनिंग? काम। तो काम से यहाँ तक पहुंचेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को शरीर समझना, वी आर दिस बॉडी समझना, इस हिसाब से क्या होगा, हम यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमें प्रगति करना है भक्ति में, तो अपने आप को आत्मा के रूप में देखना पड़ेगा, अपने आप को हमें स्पिरिचुअल एंटिटी, भगवान का सर्वेंट के रूप में देखना होगा। उससे क्या होगा कि श्री प्रभुपाद जी ने जो भी हमें नियम दिए गए, जो प्रोसेस बताया है, उसको हम फॉलो करेंगे, और क्या होगा, विल नेवर गो टू हेल, विल ऑलवेज गो टू वैकुंठ लोक। तो हमने कई चीजें देखी, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमेशा लगे हुए हैं, तो ये जो भी बुरी आदतें हैं, जो सब कुछ है, अपने आप चली जाती है। एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी के इनिशियल डिसाइपल्स, हिप्पीज, तो जो हम चार नियम की बात कर रहे हैं, ये तो चारों नियम तोड़ते थे श्री प्रभुपाद जी के। अगर हम लीलामृत पढ़ें तो देख सकते हैं, अवैध संग सब करना, इंटॉक्सिकेशन, मीट खाना सब करते हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने उनको ऐसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज किया कि आज देखिए, आज बड़े बड़े सीनियर डिसाइपल्स क्यों कर पाए, बिकॉज दे वर ऑलवेज एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। किताब पढ़ना, प्रचार करना, जप करना, भागवतम पढ़ना, विग्रह की सेवा करना। तो जब हम ऐसे सेवाओं में एंगेज रहते हैं, तो अपने आप ये आदतें छूट जाती हैं, अपने आप हम इससे ऊपर हो जाए, राइट? सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू, दिस इज सोल्यूशन पार्ट, कि अगर हम हमेशा, हम एग्जाम्पल तो हमारे सामने बोलते हैं ना कि प्रभु जी बड़ी बड़ी बातें मत करो, हाँ आप शास्त्र से बोल रहे हो, प्रैक्टिकल कुछ बातें करो। तो हम प्रैक्टिकल देखें अपने आंखों के सामने, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल इन फ्रंट ऑफ आर आईज, कैसे हिप्पीज कन्वर्टेड टू हैप्पीज, कैसे वो हैप्पी हो गए। क्यों हैप्पी हुए? क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस को दिया, उस प्रोसेस को एज इट इज फॉलो किया। और देखिए कितने सारे भक्त श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स भगवत धाम जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर को निर्माण कर रहे हैं, राइट? सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ व्हाट श्री प्रभुपाद हैज गिवन। और क्या होगा कि जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो भौतिक जगत है, मोह माया दुरत्या, बहुत डिफिकल्ट है, ये एकदम इजी हो जाएगा, एकदम एकदम एकदम। बोलते ना बाएं हाथ का खेल है हमारे, कुछ लोग कहते हैं ना, गुरु जी तो बाएं हाथ का खेल, तो ये डिवोटीज के लिए बाएं छोटी हाथ का खेल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा कि हम जैसे बताया गया ना, तो काफ का जो फुटप्रिंट होता है, उतना ही भौतिक जगत पार करना है, हम वैकुंठ पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भक्तों का संग लें, उनके एसोसिएशन, देन हम ये जो बताया जा रहा है श्लोक में, इस जगह तो नहीं पहुंचेंगे, विल गो टू समवेयर बेटर प्लेस। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण।